नमस्कार, ईएनआई सबरंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अरविंद पाटिल। कुछ लोगों में ऐसी चर्चा होती है कि जब अगर किसी का भाई मंत्री हो तो उसका अलग ही रुबाब होता है, मगर एकदम साधारण व्यक्ति जो कार्यकर्ता में मिलने वाले, कार्यकर्ता में बैठने वाले, कभी स्टेज पे हमने तो नहीं देखा। पत्रकारों ने भी यहाँ तक कि अरविंद पाटिल को स्टेज पर नहीं देखा। संभाजी पाटिल जो लातूर के गार्डियन मिनिस्टर हैं और महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री हैं, उनके भाई अरविंद पाटिल हैं हमारे साथ हमें आज। सर, आप बहुत कॉमन लोगों के जैसे रहते हैं, कार्यकर्ता में बैठते हैं, क्या कहते हैं, इतने सादगीपन है? नहीं, आपने अभी जिक्र किया कार्यकर्ता, तो मेरा पिंड ही है कार्यकर्ता। और जब जैसे हम, मैं श्रद्धा अटल जी के मार्गदर्शन से ये परिवार में आया हूँ, क्योंकि हम पार्टी नहीं मानते, हम इसे परिवार मानते। और जिसे हमें संस्कृति दी है कि संघर्ष, संगठन और समर्पण, ये तीन चीज़ों के माध्यम से आज हम सामने जा रहे हैं। तो इसलिए समर्पण भाव से मुझे कार्यकर्ता, ये जो पिंड है, ये मैं पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, उस समय भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हालात थे कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक बनना चाहे तो भी इनकार कर देता था, कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है। और आज हालात ऐसे हैं कि मंत्री पद छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस पहलाव में आपने कहीं आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों में भी चर्चा है। आप कार्यकर्ता ना रहे, आप नेता बने आप? नहीं, मैं कार्यकर्ता बनना ही चाहूँगा, क्योंकि कार्यकर्ता जैसे हमारे पंडित दीनदयाल जी हो या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, नेता बिगड़ता है बनता है, लेकिन कार्यकर्ता ही हीरा होता है, कभी टूटता नहीं, ना बिगड़ता है ना बनता है। जिस समय भाजपा में कोई आना नहीं चाहता था, उस समय आपका परिवार बहुत सफलता से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। आज वही स्थिति है, आज भी आप सफलता की है, मगर आपने आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों में भी चर्चा है, विधायक बनना चाहिए आप? नहीं, गए 16 साल से पार्टी का काम करते करते यहाँ तक पहुँचे। मेरी एक जिद है, वो जिद के और एक उद्देश्य से मैं काम करता हूँ। कभी किसी पद की चाह नहीं रखी, एक ही चाह रखी कि मेरे साथ जो हज़ार पैर चल रहे, उनको किसी न किसी पद पे, वो किसी न किसी माध्यम से लोक प्रतिनिधि, क्योंकि हम चाहते कि कार्यकर्ता प्रतिनिधि बने, प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि बने। और मैं, मेरे ऊपर कुछ पद आए, इससे ज़्यादा मैं खुशी इसमें मानता हूँ। जैसे लातूर का विषय लो, लातूर में जहाँ पे सिर्फ 198 लोक प्रतिनिधि थी, आज मुझसे इसमें बहुत हर्ष होता है, गर्व महसूस होता है कि यहाँ से 4,500 से ज़्यादा लोक प्रतिनिधि है। उस कहीं ना कहीं वो माध्यम से, उस करने के माध्यम में मैं थोड़ा सा हिस्सा और मैं थोड़ा सा योगदान दे पाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और ये मैं गर्व खोना नहीं चाहता। पर्दे का पीछे का खिलाड़ी जिसको कहते हैं, वो अरविंद पाटिल हैं। जैसे कि पंचायत समिति हो, नगर पंचायत हो, जिला परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, परफेक्ट प्लानिंग करने में सफल रहते हैं और कार्यकर्ताओं का एकजुट किस तरह से करते हैं सर आप? क्या खूबी है आपके पास, जादू की छड़ी है कोई? नहीं, कार्यकर्ता का एक कुछ खूबी नहीं है, जैसे मैं परिवार ही मानता हूँ। मैं दिन में 14 या 16 घंटे काम करता हूँ। जब लोग आते मेरे पास, तो एक भाई बोल के, एक छोटा भाई बोलो या छोटे लोग, छोटा उम्र में कोई छोटा आता है तो बड़ा भाई, एक हक से आते, तो मैं ये हमेशा रखता हूँ कि मेरा परिवार का हिस्सा कोई तो मेरे पास आ रहा है, कोई तकलीफ लेके आए, कोई समस्या लेके आए, और कोई ना कोई योजना है कि कमतरता लेके आए, तो वो योजना जो इससे आता है, मैं यही विषय ध्यान में जिक्र में रखता हूँ कि उसकी वो समाधान होके जाए, कोई सही नहीं रखता। और काम करते समय मैं भी कभी कभी कार्यकर्ता या लोग ये नहीं देखे, मैं लातूर जिला ये परिवार बोल के काम करता हूँ, इसलिए शायद लोग आते होंगे। हमने भी ऐसा कई बार देखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब स्टेज पे आते हैं तो अरविंद पाटिल ऐसे ढूंढते हैं, पर अरविंद पाटिल उनको कहीं दिखाई नहीं देते, अरविंद पाटिल नीचे होते हैं, कार्यकर्ता में होते हैं या कहीं नियोजन में होते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वो आदरणीय हमारे CM साहब है, लेकिन मेरे लिए वो बहू है, यानी मेरे बड़े भाई, जिनका शब्द मेरे लिए प्रमाण है। और वो हमेशा, उन्हें पता है कि मैं उनमें एक गर्व है, तो ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिला। मैं कभी भी अभी मैं उनको मैसेज करूँ तो 2 मिनट में रिप्लाई करते, तो मुझसे से छोटे से कार्यकर्ता को वो इतना तुरंत रिस्पॉन्ड करते, तो इसलिए महाराष्ट्र की इतनी समस्या में एक लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब एक अतिशय यशस्वी मुख्यमंत्री मिले। और वो मुझे ढूंढते, वो मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं अभी भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, यही मेरे लिए गर्व की बात है। लोगों की ऐसी डिमांड है, लोगों की ऐसी मांग है, आपने विधायक बनना चाहिए, आपको नहीं लगता क्या?
विधायक है मेरी पार्टी का, पार्टी मुझे जो आदेश देंगी वो करे, और मेरा मत मैंने कभी अभी तक नहीं रखा। कार्यकर्ता का जो मत है वही मेरा मत है, लोगों का मत है वही मेरा मत है। मैंने आज तक 15 साल में कभी मेरा मत व्यक्त नहीं किया, ना आगे करता रहूँगा। जो कार्यकर्ता का मत है वही मेरा मत है। ये थे अरविंद पाटिल, जो अपने आप को छोटा कहते हैं, और इनके बड़प्पन है जो अपने आप को छोटा कहते हैं, और बड़े सादगी से इनका परिवार, पूरा परिवार, इनके माताजी एमपी थे, भाई केंद्र अपने राज्य के मंत्री हैं, और ये भी बहुत सारे कुछ बन सकते हैं, मगर इनकी सादगी से ऐसा लगता है कि ये कुछ बनना नहीं चाहते। कैमरामैन संतोष माने के साथ हारून सैयद, ENI न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।